बूट्स आपके आउटफिट के एक बहुत ही पावरफुल एलिमेंट हो सकते हैं, आपको वो ज़्यादा इंटिमिडेटिंग दिखा सकते हैं, आपकी पर्सनालिटी को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा सकते हैं, बट यू नीड टू नो कौन से बूट्स कब स्टाइल करने हैं, क्या उनकी लेंथ होनी चाहिए, क्या उनकी शेप होनी चाहिए और कौन से बूट्स में इन्वेस्ट करना आपके लिए सही बाइंग डिसीजन है। मेरे पास 20 से ऊपर बूट्स हैं और उसमें से मैक्सिमम 5 से 6 साल पुराने हैं और कई उससे भी ज़्यादा, बट आज की डेट में भी वो नए लगते हैं क्योंकि मैं पर्सनली बूट्स की क्वालिटी पे कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता। आपको डेफिनेटली 800-1000 रुपये के बूट्स मिल जाएंगे, बट ना ही उनकी क्वालिटी अच्छी होगी, आपके पैरों में दर्द हो सकता है, ना ही वो लॉन्ग लास्टिंग होगे एंड वो काफ़ी चीप भी लगते हैं, बिकॉज बूट्स इज समथिंग दैट नीड्स टू बी ऑफ क्वालिटी एंड समथिंग विच इज़ वेरी क्लासी। तो इससे बेटर यही है कि आप 600-800 रुपये ज़्यादा देके अच्छे बूट्स में इन्वेस्ट करें। मैं बहुत हाई रेंज की बात नहीं करने वाला, बट वी आर गोना टॉक अबाउट बूट्स विच आर ऑफ गुड क्वालिटी, विच आर इन बजट एंड आर एब्सोल्युटली वर्थ इट इन टुडेज़ वीडियो। माई नेम इज वैभव केसवानी, योर अमेज़न स्टाइल कोच। इफ यू वॉन्ट टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ, मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। और अगर हज़ारों इंस्पिरेशन चाहिए आउटफिट से रिलेटेड, मेरा इंस्टाग्राम जरूर चेक कर लेना, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। मैं आपको बूट्स दिखाने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बता देता हूँ उनके बारे में। बूट्स यूजली 3 हाइट्स पे आते हैं, लो एंकल, मिड एंकल, हाई एंकल। हाई एंकल बूट्स ज़्यादातर उन लोगों के लिए होते हैं जिनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा लंबी है, क्योंकि जब आप हाई एंकल बूट्स पहनते हैं तो एक कलर ब्लॉक क्रिएट होता है, उससे आपकी हाइट छोटी लगती है। और ये एक ऐसी गलती है जो मैक्सिमम लोग करते हैं, खासकर इंडिया में। एवरेज हाइट इंडियंस की 5'7" है, उसके बावजूद भी वो काफ़ी हाई एंकल बूट्स ले लेते हैं और उनका पूरा का पूरा आउटफिट इंटरेस्टिंग बनने की जगह बहुत ही ज़्यादा खराब दिखता है। सो दैट इज़ वन थिंग यू रियली नीड टू टेक केयर ऑफ, एंड दैट इज़ मेजरली वाई जो आज की वीडियो के बूट्स हैं या तो वो लो एंकल होंगे या वो मिड एंकल होंगे, ताकि आप सब बहुत ईजिली पहन सकें। बूट्स बहुत एक सेक्सी वाइब देते हैं जब वो बहुत ज़्यादा रॉ और एजी होते हैं, एंड वन बूट विच इज़ अप्रोप्रिएट फॉर दैट वाइब आर दीज ब्लैक बूट्स विच आर वेरी क्लोज टू बाइकर बूट्स। बट इसकी सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि ना ही ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, हैवी है, चंकी से, ना ही ये बहुत ज़्यादा स्लीक से हैं, दे आर बेस्ट इन शेप। साथ ही साथ इसमें ना कोई फालतू की कलाकारी नहीं हो रखी, कोई एडिशनल एलिमेंट्स दे नहीं दिखे, काफ़ी ज़्यादा प्लेन स्लीक है, एंड द क्वालिटी ऑफ मटीरियल यूज स्पेशली इन दिस प्राइस रेंज इज डेफिनेटली अमेजिंग। अदर देन दैट, मैंने इसको जब पहन के भी देखा था तो मुझे काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल लगे थे। ऑल्सो यू वुड सी दैट द ब्रांड हैज़ गिवन दिस एक्स्ट्रा स्पेस फॉर योर हील टू जस्ट सेटल इन। इससे बूट्स ना काफ़ी ज़्यादा और कंफर्टेबल हो जाते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग विच आई फाउंड अबाउट दीज बूट्स इन पर्टिकुलर। आई लाइक द फैक्ट कि ब्रांड ने यहाँ पे ना जिप दे रखी है साथ में, ताकि ईजिली इनको उतारा या पहना जा सके। उसके अलावा स्टिचिंग डिटेल्स भी काफ़ी ज़्यादा मिनिमल है, काफ़ी ज़्यादा क्लासी है, एंड इट इज़ ऑफ हाई क्वालिटी। दैट इज समथिंग यू कैन डेफिनेटली टेल वेन यू सी द बूट, वेन यू फील द बूट। इनको स्टाइल करने की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा इंटिमिडेटिंग लुक्स है, तो वेन यू आर डूइंग दैट बैड बॉय सॉर्ट ऑफ वाइब, बहुत ही रॉ और एजी लगना है, अपनी कार्गोज के साथ पहनना है, अपनी रिप डेनिम्स के एक्सेट्रा के साथ पहनना है, लेदर जैकेट्स के साथ, ये बूट्स तब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करेंगे। डोंट रियली गो फॉर अ वेरी क्लासी सॉर्ट ऑफ एन आउटफिट विद दीज बूट्स। आई पर्सनली थिंक दो बूट्स मस्ट हैव होने चाहिए। फर्स्ट आर दीज ब्लैक बूट्स जो मैंने अभी आपको दिखाया, और सेकेंड हैं दीज ब्राउन चेल्सी बूट्स। ये मुझे 1600 रुपये के पड़े थे डिस्काउंट में, और मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इनकी शेप इतनी ज़्यादा प्यारी होगी। इनके जो टो की शेप है वो बिल्कुल परफेक्ट है, विड्थ है दैट इज बैंग ऑन पॉइंट, एंड इवन द स्ट्रक्चर ऑफ द हील इज सो ऑन प्लीक। सो नाउ दिस शू लुक्स लाइक एज इफ ये 6 या 7 हज़ार वाला चेल्सी बूट्स है, और काफ़ी ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम वाइब है। द कलर इन इट सेल्फ इज प्रिटी रिच, नाउ यू कैन सी दैट हाउ पर्टिकुलर एंड वेरी शेप्ड दिस शू इज। चेल्सी बूट्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा क्लासी और प्रीमियम टच देते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ इनको सिर्फ फॉर्मल्स के साथ या ओकेजन वेयर में ही पहनना है। आप इनको कैजुअली डे टू डे लाइफ में भी पहन सकते हैं, डिस्ट्रेस डेनिम तक के साथ पहन सकते हैं, इफ द फिट ऑफ दैट डेनिम इज स्लिम। बट एट द सेम टाइम मेक श्योर यू डोंट वेयर टू मेनी कलर्स व्हेन यू वेयरिंग चेल्सी बूट्स, या फिर बहुत ज़्यादा प्रिंटेड टी शर्ट्स, हुडीज, वर्सिटी जैकेट्स मत पहनना, वो इनको कॉम्प्लीमेंट नहीं करेगी। कीप इट सिंपल एंड कीप इट क्लासी। जितना ज़्यादा कम एफर्ट डालोगे अपने आउटफिट में, उतने ही ज़्यादा आपके चेल्सी बूट्स आप पे हमेशा अच्छे लगेंगे। मस्ट हैव बूट्स के एंगल से देखा जाए तो वो दो बूट्स काफ़ी हैं, बट लेट्स एक्चुअली मूव ऑन टू समथिंग विच इज़ मोर एक्सक्लूसिव, फैशनेबल, और जो आपके स्टाइल के लेवल को डेफिनेटली अप लेके जाएगा। द वन बूट्स एंड आई एम टॉकिंग अबाउट हियर आर दीज
चुका बूट्स। आई एब्सोल्युटली लव द कलर ऑफ दिस बिकॉज ये बहुत ज़्यादा ओल्ड मनी वाली वाइब देते हैं। नाउ दिस इज समथिंग यू कैन नॉट रियली अफोर्ड टू स्टाइल वेरी कैजुअली। जिस दिन आपको क्लासी बन के जाना है ना, उस दिन ये शूज़ बहुत अच्छे लगेंगे। मुझे बहुत अच्छी लगी ये चीज़ कि जो ब्रांड ने ब्रोगिंग डिटेल दे रखी है, इट इज़ वेरी मिनिमल, वेरी सटल, क्योंकि ये ना एक एलिमेंट ऑफ क्लास वो डिटेलिंग ऐड करती है, विच इज़ समथिंग यू वुड नॉट रियली गेट इन एनी अदर शू। साथ ही साथ जो इसका स्वेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ और काफ़ी ज़्यादा क्लीन है। यूजली स्वेड इस रेंज में इतनी अच्छी क्वालिटी का नहीं आता, सो आई एम सुपर इम्प्रेस्ड बाई द क्वालिटी दैट द ब्रांड इज़ प्रोवाइडिंग इन दिस मच मनी। इन बूट्स को स्टाइल करते हुए सिर्फ आपको एक चीज़ का बहुत इम्पॉर्टेंटली ध्यान रखना है। एक तो आपके पूरे आउटफिट में बहुत सारे कलर्स नहीं होने चाहिए। दूसरी बात, जो भी आपकी जीन्स या चीनोज है वो आगे तक नहीं आनी चाहिए, मतलब जो उनका फॉल है ना वो यहाँ तक नहीं होना चाहिए, छुपाना नहीं चाहिए उनको बूट्स को। प्रेफर यही करना आपकी जीन्स या बूट्स यहाँ तक, इस एरिया तक ख़त्म हो जाए। अभी तक जो मैंने शूज़ दिखाए या तो वो सिर्फ क्लासी हैं या तो वो सिर्फ रॉ और एजी हैं। लेट मी एक्चुअली शो यू वन बूट that is classy and edgy at the same time, the one that I'm talking about here are these brown boots with broguing detail in it. Trust me, the color, the finish and the quality of leather used is so premium. I again did not expect ki mujhe itne acche boots mil jayenge is range mein. Mere paas ek aur aise broguing wale boots hai jo brown color ke hi hain, wo maine 6,000 or 8,000 rupees ke liye the, but these one I got for somewhere around 2,000 rupees and I did not expect the quality to be this good. Absolutely love the fact jo brand ne isme minimal detailing de rakhi hai, bahut zyada heavy detailing nahi de rakhi. Also ye broguing इस शू को कॉम्प्लीमेंट भी बहुत अच्छे से करती है। द कलर स्कीम इज जस्ट ऑन पॉइंट और ये एक ऐसे शूज़ है जो आप कैजुअली भी पहन सकते हो, पार्टीज में भी पहन सकते हो, डेट्स में भी पहन सकते हो, और अगर आपको सेमी फॉर्मल वाइब चाहिए फॉर इंस्टेंस चीनोज एक्सेट्रा के साथ, तो ये उसमें भी बहुत ईजिली जाएंगे। लास्ट हम बात करते हैं ऐसे बूट्स की जो आपके ओकेजन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा अप्रोप्रिएट होगा। आप पार्टीज पे जा रहे हैं, किसी इवेंट पे जा रहे हैं एक्सेट्रा, तब के लिए ये चेल्सी बूट्स आर गोइंग टू कॉम्प्लीमेंट योर आउटफिट, योर लुक अ लॉट। ये मुझे 2600 के आसपास पड़े थे, मुझे भी लगा था कि यार स्वेट में मेरे को इससे सस्ते मिल सकते हैं, बट जब ये मेरे पास आए और मैंने इसकी स्वेट की क्वालिटी देखी, दैट इज़ व्हेन आई रियलाइज्ड कि इनका ये प्राइस रेंज क्या है। नेक्स्ट, इनका कम्फर्ट बहुत ज़्यादा हाई है, दे आर वेरी वेरी क्लासी एंड वेरी मिनिमल लुकिंग चेल्सी बूट्स। आई ऑल्सो लाइक द फैक्ट कि ब्रांड ने इसमें मिनिमल वाइट स्टिचिंग डिटेलिंग दे रखी है। ये वाइट स्टिचिंग डिटेलिंग मैं हर बार रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट इनके साथ पर्टिकुलरली ये कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। अदर देन दैट, व्हाट आई ऑल्सो लाइक इज द क्वालिटी ऑफ द सोल इज प्रीटी गुड। मुझे ये लगता है कि अगर इसको आप रोजमर्रा की जिंदगी पहनेंगे तो 8-10 घंटे बहुत ईजिली पहन सकते हैं। दैट इज द काइंड ऑफ क्वालिटी दैट द ब्रांड हैज गिवन। आई एम येट टू ट्राई इट, बट इट लुक्स लाइक इट जैसे ही मैंने इसको फील किया, जैसे ही मैंने इसको पकड़ा हुआ है हाथ में। अदर देन दैट, इसकी शेप भी बहुत अप्रोप्रिएट है। जस्ट दैट, आप इसको बहुत ज़्यादा लूज फिट्स के साथ मत पहनना। जिस दिन आपको बहुत क्लासी, पुट टुगेदर और बहुत ज़्यादा प्रीमियम या रिच लगना है, दैट इज़ वेन यू नीड टू यूज दीज ब्लैक चेल्सी बूट्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इनकी केयर आपको थोड़ी ज़्यादा करनी पड़ेगी। एक तो ये ब्लैक है, दूसरा ये स्वेट है। ऐसी किसी भी जगह पे गलती से भी मत चले जाना जहाँ पे धूल मिट्टी हो, क्योंकि धूल मिट्टी एक तो ब्लैक पे बहुत ज़्यादा एविडेंट दिखेगी और स्वेड चेल्सी बूट से धूल मिट्टी हटाना उतना ज़्यादा ईजी नहीं होता है। सो जस्ट मेक श्योर यू गोइंग टू वेरी कॉन्क्रीट सॉर्ट ऑफ ग्राउंड्स, या किसी आप होटल में जा रहे हो या किसी ऐसी जगह पर जा रहे हो जहाँ पे बेसिकली धूल मिट्टी ना हो, गार्डन पार्क में मत टहलने निकल जाना इन बूट्स को पहन के। सो दैट वाज मेजरली अबाउट 5 बूट्स विच आर इन बजट, डेफिनेटली इन बजट एंड आर एब्सोल्युटली वर्थ इट फॉर द प्राइस पॉइंट। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। एंड देन टेक केयर, स्टे स्टाइलिश।